नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र विक्टर है। डीएमएलटी को चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बताने वाले हैं सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। टेस्ट के प्रिंसिपल बताएंगे, प्रोसीजर बताएंगे, कैलकुलेशन, नॉर्मल रेंज बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सीआरपी होता क्या है? सीआरपी किसे हम जानते हैं? सीआरपी एक प्रोटीन है जो लीवर द्वारा निर्माण होता है जिसका, ठीक है। अगर सीआरपी ज़्यादा हो गया शरीर में तो क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है, टिश्यू इंजरी वगैरह होती है, इन्फेक्शन होता है। और जैसे कि हम लोग सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन से अभी इसको जांच करके दिखाएंगे। प्रिंसिपल क्या है? जो सीआरपी रिएजेंट होता है, ये किट्स है सीआरपी की, इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है ये? तो जैसे कि सीआरपी है, किसी के ब्लड में सीआरपी पॉजिटिव है, तो इसके अंदर रिएजेंट होता है, रिएजेंट रैबिट से बना होता है, रैबिट के एंटीबॉडीज होता है। तो उसको जैसे सीआरपी के साथ क्रिया होती है तो एग्लूटिनेशन आता है, क्लम्पिंग आती है, ढेर सारे गुच्छे आते हैं। जितना ज़्यादा क्लम्पिंग आएगी, जितना ज़्यादा एग्लूटिनेशन होगा, उतना ज़्यादा सीआरपी होगा, ठीक है। तो सीआरपी की नॉर्मल रेंज कितनी है? अप टू 6 mg/L। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो सीआरपी पॉजिटिव माना जाता है। तो हम लोग आज क्वांटिटेटिव टेस्ट करके दिखाएंगे सीआरपी क्वांटिटेटिव। तो एनालाइजर मेथड से करेंगे, सेमी ऑटो एनालाइजर से करेंगे, ठीक है। इसके लिए रीजेंट इसमें दिया रहता है R1 एंड R2। रिएजेंट है R1 एंड R2। इसके साथ एक कैलिब्रेटर दिया रहता है। कैलिब्रेटर सपोज दैट आप स्टैंडर्ड जानते होंगे, सभी किट में स्टैंडर्ड दिया होता है, तो इसमें भी एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, इसे कैलिब्रेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेमी, हम लोग जो सेमी ऑटो करने वाले हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट सीआरपी का, उसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए है? सैंपल चाहिए है, टेस्ट ट्यूब चाहिए, और इससे आप लोग करना चाहें तो कैलोरीमीटर मेथड से भी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फिर तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये 3 टेस्ट ट्यूब ले ली है, ब्लैंक, कैलिब्रेटर एंड टेस्ट। मार्किंग कर देते हैं, ब्लैंक, B4 ब्लैंक, B कर दिए, कैलिब्रेटर, C कर दिया और टेस्ट। 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया, तीनों हम रिएजेंट लेते हैं, रिएजेंट चाहिए होगा। अब हम लोग रिएजेंट लेते हैं, क्योंकि जो प्रोसीजर है कैलोरीमेट्रिक मेथड से तो 1000 ml पूरा चाहिए होगा, तो हम लोग आधा लेते हैं, ठीक है। तो 400 करके R1 ले लेते हैं तीनों टेस्ट ट्यूब में। पिपेटिंग का ध्यान दीजिए, पिपेटिंग अच्छी होनी चाहिए। 400 इसमें ले लिया, 400 इसमें ले लिया, 400 इसमें ले लिया, ठीक है। R2 ले लेते हैं 100 μL। सौ इसमें ब्लैंक में, 100 कैलिब्रेटर में और 100 टेस्ट में ले लिया। इतना तैयार हो गया ब्लैंक, कैलिब्रेटर और टेस्ट। इसके बाद सीरम हम लोग को चाहिए होगा 10 μL, क्योंकि सीरोलॉजिकल टेस्ट है, 10 μL चाहिए होगा। मिक्स कर लेंगे पहले इसको, R1 R2 को। उसके बाद ये हम लोग का जो एनालाइजर है सीमी ऑटो एनालाइजर, इसमें हम लोग को करना है, आज दिखाते हैं कैसे करते हैं। ये देख रहे होंगे कमांड पे ये सीआरपी लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आ जाएगा। सीआरपी क्लिक करते हैं, देखिए सीआरपी पहले फैक्टर सबसेट किया गया है 546 nm पर, सैंपल वॉल्यूम 10 μL, रिएजेंट 500 μL, ठीक है। R1 R2 हम लोग मिस करके डाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए 500 दिखा रहा है, 400 करके दिया है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, पहले जैसे कि स्टार्ट करना है एस्पायरेट डिस्टिल वाटर, तो डिस्टिल वाटर हमें पिलाना होगा पहले। डिस्टिल वाटर हमने इस कंटेनर में निकाल रखा है, पुश करके डिस्टिल वाटर पिला लिया, वेट कर रहा है, डिस्टिल वाटर से क्लियर हो जाएगा। अब एस्पायरेट 450 μL सीरम सैंपल, तो चूंकि हम अब आपको कैलिब्रेटर वगैरह दिखा रहे हैं, तो आपको पहले हम लोग स्टार्ट से दिखाते हैं। फंक्शन की उस पर दिया हुआ है, प्रेस फंक्शन की टू कैलिब्रेट,
प्रेस प्रोग्राम की और प्रेस क्वालिटी कंट्रोल। तो हमें प्रेस फंक्शन की करना है, पहले कैलिब्रेटर दिखाना है कि कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। ठीक, तो फंक्शन की कहाँ है देख लीजिए, इसमें फंक्शन की ये है, फंक्शन की में रन डिस्टिल वाटर प्लस स्टैंडर्ड, तो दो नंबर दबाना है, नीचे आना है, ये आ गया, अब इंटर दबा देना यहां से। ठीक है, 100 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर मांग रहा है, सिंगल कैलिब्रेशन करना है, इंटर कर देते हैं, एक ही कैलिब्रेट करना है। ठीक है, डिले टाइम, रीड टाइम स्टार्ट हो गया है, लिखा आ रहा है एक्सपायरेट 450 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड, वही जो कैलिब्रेटर है उसी को हमें 450 माइक्रोलीटर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा कैलिब्रेटर है, कैलिब्रेटर। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं और ये हमारा स्टैंडर्ड वाली जो ट्यूब थी, ब्लैंक कैलिब्रेटर और टेस्ट, तो हमें 10 माइक्रोलीटर कैलिब्रेटर डालकर डाला और इसमें डाल दिया और इसे मिस कर दिया। मिस करने के बाद ऐसे इसको एक्सपायरेट करा देंगे। प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, देखिए डिले टाइम 5 सेकंड का होता है, उसके बाद 120 सेकंड और लेता है। तो स्टे सीआरपी कैलिब्रेशन देखिए, 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड कैलिब्रेशन रीडिंग आएगी, इसके बाद टेस्ट पिलाना होगा, मांगेगा फैक्टर स्टोर, यस कर देंगे इसको। अब 450 माइक्रोलीटर सैंपल पिलाना है, तो सैंपल के लिए जैसे हमने ये टेस्ट वाली ट्यूब ली थी, इसमें क्या करना है, 10 माइक्रोलीटर सीरम डालकर एक इंडिविजुअल पेशेंट का, जिसका हमें करना था, ले लिया, इसमें डाल दिया, मिक्स कर दिया इसे और ऐसे एक्सपायरेट करा दिए। ये चलने लगा प्रोसेस, 2 मिनट के वेट मांगेगा, 2 मिनट बाद रिजल्ट देगा ये। जैसे ये बायोजेनिस का किट है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में, सीआरपी प्रोटीन इज एक्यूट फेज प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लीवर इन रिस्पांस टू इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन एंड टिश्यू इंजरी। अगर ये लीवर ज्यादा इसका इस प्रोटीन के निर्माण होता है, ठीक है, और ज्यादा हो जाता है तो इन्फ्लामेशन होता है, टिश्यू इंजरी होता है। इनकेस सीआरपी अकर्स अर्लियर देन द अदर एक्यूट फेज रिएक्टेंट एंड दिस रैपिड रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा और इन्फेक्शन इन द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ सीआरपी। इसका प्रिंसिपल देख लीजिए, लेटेस्ट पार्टिकल कोटेड विद स्पेसिफिक रैपिड एंटी ह्यूमन सीआरपी आर एग्लूटिनेट व्हेन मिक्स विद द सैंपल कंटेनिंग सीआरपी। मतलब है इसका कि जैसे कि जो हम लेटेस्ट पार्टिकल होते हैं सीआरपी के, जो हम किसी सीरम में होता है, किसी के ब्लड में होता है, उसको हम लोग जो किट में जो रिएजेंट आया है, किट आया है, उसमें रैपिड एंटी ह्यूमन सीआरपी होता है, उसे मिस करते हैं तो क्या होता है, एग्लूटिनेशन देता है, क्लॉट देता है, क्लंपिंग देता है। वही जितना ज्यादा क्लंपिंग क्लॉट्स आएंगे वही हमारा सीआरपी होगा। इस रिएजेंट में आता है R1 R2 आता है, कैलिब्रेटर आता है, इसका भी फैक्टर वगैरह दिया रहता है, कैसे कैसे आपको सेट करना है मशीन में,
वेवलेंथ दिया हुआ है, ब्लैंक दिया है, डिस्टिल वाटर हम लोग कर रहे हैं, डिस्टिल वाटर से ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से इसके लिनियरिटी वगैरह दिया हुआ है, नॉर्मल रेंज वगैरह दिया हुआ है, नॉर्मल रेंज 6 मिलीग्राम पर लीटर तक होता है। ये हमारा रिजल्ट आ गया, सीआरपी का रिजल्ट देख लीजिए, 3.0 मिलीग्राम पर लीटर है, 6 से ऊपर होता तो सीआरपी पॉजिटिव माना जाता है, सीआरपी ये क्वांटिटेटिव टेस्ट था, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।